करण तेजा पर अनुषा को आया गुस्सा। बिग बॉस 15 को लेकर दिया शॉकिंग बयान। शेयर किया टॉन्ट भरा पोस्ट। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। बिग बॉस 15 के घर में जितना ड्रामा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहे हैं, घर के बाहर भी उतना ही घर के कंटेस्टेंट्स चर्चा में हैं, और सबसे ज्यादा करण और तेजस्वी। जी हाँ, दोनों का बॉन्ड जहाँ कुछ लोगों को फेक लग रहा है, तो वही कुछ कुछ लोगों को इनका बॉन्ड बहुत पसंद आ रहा है। तेजस्वी और करण को कई बार रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते देखा गया है। अगर तेरी एक्स गर्लफ्रेंड घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री में आई तो तू क्या करेगा, तो जिसके बाद करण तेजू से गुस्सा हो गए थे। वही विशाल और उमर को भी देखा गया करण की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा के बारे में बात करते हुए। पिछले दिनों घर में कई बार अनुषा का जिक्र हुआ और शायद अनुषा को ये बात पसंद नहीं आई। जी हाँ, अपने फैंस के साथ Q&A सेगमेंट में जब किसी ने अनुषा से पूछा कि आपको बिग बॉस 15 में जाने का ऑफर मिला था, जिसके जवाब में अनुषा ने कहा, क्योंकि मुझे फिर से इतने सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, और मुझे ये भी पता चला है कि घर के अंदर मेरे बारे में बातें हो रही हैं। वाओ, मैं बता देती हूँ कि मैं बिग बॉस 15 में नहीं जा रही हूँ और ना ही कभी जाऊंगी। बिग बॉस मेरे टाइप का शो नहीं है, ना ही मैं शो देखती हूँ, ना ही मुझे कभी मेकर्स ने अप्रोच किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मना कर दूंगी। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। जिन्हें ये लगता है कि मैं घर में आकर दूसरे की लाइफ में और एक्साइटमेंट ले आऊंगी, तो मैं बता दूं ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे के एंटरटेनमेंट के लिए कभी घर में नहीं आऊंगी। बिग बॉस के मेकर्स भी ये सारे रूमर्स को बंद नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई 24/7 इस पर नजर रखे। जिन्हें लगता है कि मुझे जेन्युइनली जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि मैं घर में पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करूंगी। थैंक यू। अब अनुषा के इस बयान से ये साफ पता चल रहा है कि करण और तेजस्वी या घर में किसी भी कंटेस्टेंट द्वारा उनका जिक्र होना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।